मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हम एक ऐसे मुद्दे को लेकर यहाँ जुड़े हैं, ऐसी बात करने के लिए, ऐसी चर्चा करने के लिए हम यहाँ जुड़े हैं, और हम भिन्न भिन्न मुद्दे में भी एकता का एक सबूत देने वाले वो प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं। देश की जो प्रथा रही है, ये देश की प्रथा रही है अमन शांति भाईचारा, एक सदियों से बना हुआ एक गुलदस्ता, जैसे मेरे भाई ने कहा अभी कि देश एक गुलदस्ते की तरह है, ये मजहब, हर मजहब एक गुलदस्ते के फूल की तरह है, हर मजहब एक तरह की खुशबू देता है, हर मजहब एक तरह का पैगाम देता है, हर मजहब एक तरह का रास्ता दिखाता है, हर मजहब एकता की बात करता है, हर मजहब इंसानियत की बात करता है, हर मजहब मोहब्बत की बात करता है, हर मजहब मोहब्बत को बांटने की बात करता है, हर मजहब इंसानों में दरारें पैदा करने वाले लोगों को तोड़ने की बात करता है, इंसानों को जोड़ने की बात होती है इंसानियत, जहाँ इंसानियत मजलू होती है, जहाँ इंसानियत को काटने की बात होती है वो बात होती है इंसानियत के खिलाफ बात होती है, वहां मजहब काम नहीं करता, वहां सियासत काम करती है। एक एक सच्ची आवाज स्वराज अभियान के साथ अपनी वाणी को वाणी मिलाकर ये हर वो मुद्दे पे बात करते हैं जिस मुद्दे को आम आदमी की बात करने वाले लोग जहां बैठे हैं उन आम आदमियों की बात नहीं है, वो आम आदमी की बात करते हैं जो सही में आम आदमी जो आज जूझते हैं देश में दिल्ली में, उन लोगों की बात को उठाने वाले ये हमारे भाई हम पुष्कर जी यहां बैठे हैं, इनकी बातें सुनकर आपको जरूर ऐसा लगेगा, मैंने जो वाक्य अभी कहे हैं चंद लाइंस मैंने आपके सामने चंद सेंटेंसेस जो आपके सामने कहे हैं उन सेंटेंसेस की क्या मजबूती है, क्या उसमें खुशबू है, क्या उसमें जरूरतें देती हैं वो आप महसूस करेंगे। ये योगेंद्र यादव जी का अपने आप से और हमारे इस मुल्क से हमारे साथियों से इस मुल्क की आवाम से जो है जिस किस्म का लगाव है वो लगाव दर्शाता है कि वक्त दिया हुआ वक्त दिए हुए वादे, हम जो बात करते हैं सिर्फ बात नहीं होनी चाहिए, हम जो बात करते हैं उन बातों पर कारगर साबित हों, ऐसे इंसान हमें बनने की जरूरत है। स्टेज पे खड़े रहना, माइक पकड़ कर चार बातें कह देना और अच्छी अच्छी बातें कहना, जोर से कुछ बातें कह दिया, ये सियासत नहीं इंसानियत की बात वो होती है कि जो बात कहो तो सोच के कहो, जो बात मुंह से निकले अपने अल्फाज निकले उनको सच्चाई तक जब तक पहुंचे नहीं उसके अंदर बेचैनी होनी चाहिए, वो सच्चे आदमियों की हम टोली बनने की बात करते हैं। सच्चाई बहुत बड़ा कठिन रास्ता है लेकिन हमें चलना ही सच्चाई पर है, हमें अमन पर चलना है, हमें इंसानियत की बात करना है, हमें हर वो बात करना है जिसमें अच्छाई हो, उसमें जिसमें जोड़ हो, जिसमें देश का भला हो, जहाँ संविधान की हिफाजत हो और इंसानियत यहाँ पर सुरखुरू हो सके।